ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की भारी लापरवाही सामने आ रही है। फॉरेस्ट दफ्तर के बगल में कोरोना पीड़ित मरीजों के उपचार वाला पीपीटी किट ग्लव्स फेंका जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में कोरोना फैलने को लेकर भारी दहशत है। कोरोना पीड़ित की एम्बुलेंस धोने और नाले में किट फेंकने पर हंगामा मचा है। इस कार्य से पास में निवासरत SDO फॉरेस्ट GSD सोनवानी काफी नाराज दिखे। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगातार प्रशासन जुटा है। दूसरी तरफ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खतरे को खुलेआम दावत दे रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिस और कर्मचारी कैंपस है, उसके विपरीत दिशा में पुलिस क्वार्टर है जहां फैमिली रहती है, और सामने PWD ऑफिस व आदिवासी विकास विभाग का दफ्तर है जहां सामने नाला बहता है जिसका पानी आसपास के मवेशी पीते हैं। इसी नाले में कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव वाले मरीजों और उनके देखभाल में लगे कर्मियों के एम्बुलेंस में तैनात कर्मी अपने PPT किट दस्ताने नाले में फेंक रहे हैं। पूरे नाले में PPT किट से पट गया है। उसके बाद बीच रोड में नगर निगम की फायर ब्रिगेड से दिन रात एम्बुलेंस की धुलाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही, कोरोना के वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए फॉरेस्ट के लोगों ने कई बार मना किया, लेकिन नहीं सुनने SDO फॉरेस्ट SD सोनवानी सहित फॉरेस्ट स्टाफ मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगा। SDO फॉरेस्ट काफ़ी नाराज दिखे और DM को उन्होंने लिखित शिकायत की। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट।